हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। लेकिन एक ऐसे ही रीडिंग करने का मन किया कि आखिर उनकी मन में, उनके दिल में आपकी छवि कैसी है, आपका इमेज कैसा है जानने की कोशिश। इससे आपको वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को कम समझे या ज़्यादा समझे, ऐसा नहीं है। बस उनके दिल में वो क्या छवि है वो जानने की कोशिश, क्योंकि क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रहे। ओके, तो जो भी पॉजिटिव एनर्जीज लगे उसे क्लेम करना है, और जो नेगेटिव लगे हैं उसे बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। ओके, तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। ओके, टेन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ रॉड्स, द हैंगमैन, द लवर्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर, हाँ वेरी गुड, डरते भी हैं आपके गुस्से से। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको कैसे इंसान समझते हैं, वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं जो परफेक्टली एक मैरिज मटेरियल है। मैरिज मटेरियल मतलब स्टेबल, एक ऐसा इंसान ना जो बहुत ज़्यादा ना सब लोगों को लेके चलता है और हर किसी के इमोशंस का लेकिन ध्यान रखता है। इसको क्या पसंद है, इसका कैसे पसंद है, वो वाली चीज़ बहुत रहती है। पॉसिबल है भले वो वर्क प्लेस हो या किसी फैमिली फंक्शन में हो या कहीं पे, तो आपको इन्होंने इस तरह से देखा है ना कि एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा कंप्लीशन का फीलिंग देता है, एक अलग ही मैरिज मटेरियल का फीलिंग देता है। जिस तरह से आप वो फंक्शन या कोई काम में, यू नो, आप वर्क प्लेस पे भी हो तो काम में जिस तरह से आप सबको लेके चल रहे हो, सबको बांध के चल रहे हो, सबको कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा चल रहा है, ये जो आप देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि इम्प्रेस हो जाता है कि ये जो क्वालिटी है ना वो आप में आपकी यूनिक क्वालिटी है। दूसरी चीज़ एकदम ख़ास है ना कि आप, इट्स लाइक अ जादू छा जाते हो। इट्स अबाउट नॉट योर लुक्स आर लाइक, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो, पॉसिबल है, लेकिन आपका चार्म ना आपकी वो फिज़िकल अपीयरेंस में नहीं है। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपको जिस तरह से कैरी करना आता है, जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हो ना चीज़, काम हो, अपने आप को प्रेजेंट करना हो, या कोई घर को सजाना हो, या फिर ऑफ मतलब काम में भी जिस तरह से प्रोजेक्ट या जिस तरह से कोई काम प्रेजेंट करना हो, तो वो चीज़ उनको बहुत सही लगती है कि दिस इज़ द यूनिक अबाउट यू। दूसरा चीज़ मतलब आपकी जो बोलने की चीज़ है, बहुत बोलते होंगे आप, ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज़ होती है कि ये बहुत लाइक बहुत प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है वगैरह वाली चीज़ फील होती है, वो हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी बातें करते हो ना जैसे एकदम मैजिक सा क्रिएट होता है, स्पेशली इन द काइंड ऑफ रोमांटिक बात जो होती है ना, तो आपसे सुनना वो एक अलग ही फीलिंग्स है।
भले वो किसी और रिश्ते में हो या ना हो, बट समहाउ आपकी बातें, आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा यूनिक फील होता है उनको, और वो मतलब आपको ऐसे समझना कि आप लिटरली एक मैजिशियन हो, जादूगर हो, जो लोगों को ना लिटरली एक मैजिक क्रिएट करता है आपकी बेसिकली बातों से, आप मतलब मैजिक क्रिएट होता है। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो, लीडर हो, लेकिन वो जो होता है ना लोगों का लीडर, लोगों का राजा, जो लोगों की इमोशंस की वजह से जुड़ा हुआ है। आप में ना एक बचपना है, आप में एक इनोसेंस है, आप में पैशन फॉलो करने की एक ज़िद है, छोटी छोटी चीज़ लाइक ना जब आपको मन करा ना कोई चीज़ करने का तो आप कर ही लेते हो। आइसक्रीम खाने का मन करा तो चलिए, अगर टाइम कोई हो, बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है तो कुछ नहीं, बट मन खाना है ना, अभी रात होगी फिर भी जाना है, करना है, तो वो जो एक बच्चे जैसा एक छोटा सा इनोसेंस होता है ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो मतलब समझते हैं कि आप बहुत इनोसेंस हो, इनोसेंट हो, आप चाइल्डिश हो, लेकिन वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप ना बहुत ज़्यादा नसीब को मानते होंगे कि हो सकता है कि यार नसीब में लिखा होगा तो मिलेगा, ये जो आप बोलते हैं ना तो उनको वो सही लगता है कि मतलब बहुत मानते हैं, मतलब उनको पूरी तरह नसीब में जो आप बिलीव करते हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आप नसीब को बहुत मानते हो, यूनिवर्स को बहुत मानते हो, ऊपर वाले को बहुत मानते हो। आप अपने इमोशन से ना मतलब अगर आप हर्ट हो गए, स्पेशली आपका इंसल्ट हुआ, आपको हर्ट हुआ, तो आप ना काफ़ी ज़्यादा ना खामोशी में जाते हो, किसी चीज़ को ना अलग नज़रिए से देखना, किसी मतलब किसी को किसने हर्ट किया ना, तो कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो ना कि होगी कोई वजह, ऐसे वजह होता है ना, तो वो जो एक आपका बड़प्पन है वो भी मतलब नोटिस किया जाता है। तो इनको मतलब कि आप ना वो इंसान भी हो जो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं, वो बच्चा कैसे ना एकदम अचानक से उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है, शांत हो जाता है। तो वैसे आपको समझते हैं कि आप ना बहुत इनोसेंट हो और बहुत दिल के सच्चे हो, इसलिए आपको कोई किसी ने हर्ट किया ना तो आप जिस तरह से सदमे में जाते हो, तो वो उनको मतलब नहीं लगता कि ये सच्चे इंसान की निशानी है, क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता ना, मतलब अगर कोई कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान नहीं हुआ। आपको हर्ट होता है, आपको हर्ट होता है कोई भी छोटी बड़ी चीज़ हो जाए, अगर कुछ हो तो हर्ट होता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, जिस तरह से कोई भी काम हो, सिंपल भी कोई काम है, प्लांटेशन है या कुछ भी है, बट जिस तरह से आप सजाते हो ना घर को, या फिर जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फीलर है। आप उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो अपने काम में, स्पेशली अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। दूसरा चीज़ अगर ना बहुत गुस्सेल भी हो, मतलब वो जो होता है ना इंसान की अत्ता मारी सटकली, मतलब नॉर्मली आप बहुत बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन एक वक्त होता है ना, एक मोमेंट क्रॉस कर दिया, लाइन क्रॉस कर दिया ना, तो फिर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हैवी हावी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा हो सकता है। और दूसरा चीज़ फिर कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन हो, प्यार के मामले में आपका कोई तोड़ नहीं, जिस तरह से आप किसी से टूट के प्यार कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। भले आपके बीच में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सेपरेशन चल रहा हो, या फिर बात ठीक से नहीं हो रहे, हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड हो या वो किसी और से मैरिड है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन जो प्यार की फीलिंग है ना, वो आपसे वो अलग ही है। लाइक आपको वो बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन पर समझते हैं, एक सोल सोलमेट की वाइब्स आ रही है, वो एक अलग ही सोल मेट वाली फीलिंग आ रही है, सोल मेट समझते हैं आपको, वो ऐसे पर्सन समझते हैं जो इंसान बहुत दिल से साफ है और किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है, वो भी टूट के। उनको पता है कि आप ना अगर मतलब आपको अगर हर्ट किया जाए या आपको अगर कोई लॉस हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा दिल से लगाते हैं, मतलब वो एक है कि आप ऐसे इंसान हो ना जो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई चीज़ को, आप अपने आप को ना जैसे तोड़ देते हो, टूट जाते हो आप, वो चीज़ है। आप उसी बात पे ना अटक जाते हो, जब तक वो कोई बात है ना वो क्लियर नहीं होती ना, कोई बात है ना वो क्लियर जब तक नहीं होते, आप उसी चीज़ पे अटक जाते हो। उनको पता है कि जब तक आपको कोई क्लैरिटी, आपके कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तो आप तो ऊपर वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे इस सवाल का जवाब दो, ऐसे वाली एनर्जी हो सकती है।
दूसरा एक चीज़ है ना कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक खर्चीले भी समझते हैं कि बहुत खर्चा करते हो अपने आप के ऊपर. आपको जिम जाना पसंद हो सकता है, अपनी ग्रूमिंग करना पसंद हो सकता है, तो वो बोले कि है लेकिन मेंटेनेंस तो बनता है, तो अपने ऊपर ध्यान देना तो बनता है. तो वो चीज़ उनको नोटिस, वो नोटिस करता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो. मतलब ये सब जो हुआ है ना वो ऐसे ही नहीं हुआ है, आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने आप का ख्याल रखते हो, लाइक अपने आप को मेंटेन करना है फिजिकली फाइनेंशियली, तो बहुत मेहनत करते हो. मतलब अगर आप डाउन भी हो रहे ना, मतलब मान लीजिए कि उल्टा सीधा खा लिया, वेट गेन कर लिया, तो आप रिकवर भी होना जानते हो, उसके लिए मेहनत भी करते हो. तो वो चीज़ है, भले फाइनेंशियली डाउन हो जाए बट उसको रिकवर करने के लिए जो मेहनत करना है, चेंज ऑफ द वे करना है, क्या पर्सपेक्टिव डालना है, वो भी आपका एक अप्रोच बहुत ज़्यादा सही रहता है. तो वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं, बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ, एक बहुत ज़्यादा एक भले वो इनोसेंट है लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास बात है. और वो पर्सन खास करके सोल मेट की वाइब देता है, सोल मेट है ऐसे वाली फीलिंग आ रही है. कीप एन ओपन माइंड, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, दिस कुड बी द वन. और ये है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. और बॉटम डेक है प्लेफुलनेस. तो यहाँ पे भी वही है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक प्लेफुल एनर्जी में, आप किसी फंक्शन की किसी मतलब वो फंक्शन में आपके आने के बाद है ना, चार चांद लग जाते हैं, बहुत हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, आप बहुत एनवायरमेंट लाइट कर देते हो. और बस आप है ना कोई चीज़ को जो बोलो ना दिल से लगा दो, क्लैरिटी चाहिए, ये है चाहिए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप उस चीज़ को ना पकड़ के बैठे हो. कोई तकलीफ़ है, दुख है, वो चीज़ है, मतलब आपको लग रहा है कि अभी ये होना चाहिए तो हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है, वो ली एक पकड़ के रखने का चीज़ है ना, तो वो चीज़ है. अब बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ही कंट्रोल कर लेते हो, अपने आप को ही बांध लेते हो, वर्ल्ड चीज़ फील हो रही है, एंड दिस कुड बी वन. उनको पता है कि यही यही पर्सन है, लवर्स की एनर्जी है, तो यही सोल वाला पर्सन है जो उनके लिए बना है. और ये मतलब ऐसा ना कि उनको पता है कि आपको अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहना है, वो पता है, भले वो होता नहीं है लेकिन आप कोशिश जारी रखते हो. गिर के संभलना आता है, और मैंने आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख भी देखे हैं, और उन्होंने आपको उठते हुए भी देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक फील होता है कि ये इंसान लिटरली बहुत सही है, लाइक नो स्टेबल है, बहुत कोशिश करता है एटलीस्ट कि उठ के खड़ा होने का, वो वाली चीज़ है. तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, रिजल्ट कितना हुआ है प्लीज़ बताइए. और तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.